बेटा ये देखें जी, हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है चैप्टर 4 है हमारे पास और एक्सरसाइज 4.4 है और क्वेश्चन नंबर 10 है और उसको हम पढ़ देते हैं जी। बी पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है जी, लाइन 1 है जी, लाइन 1 joining joining 3 minus 1 and 5 7 and L2 joining at 2 4 and minus 8 2। beta ye do line hai, इनको ज्वाइन करना है जी। ये देखो जी, ऐसे ज्वाइन करो, ये लाइन 1 है और यहां एक लाइन 2 है। ऐसे उसने कहा एंगल आपने फाइंड आउट करना है लाइन 1 टू लाइन 2, एंगल फाइंड, एंगल आपने एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम L1 टू L2, ये एंगल फाइंड आउट करने हमने बेटा, हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है लाइन 1 टू लाइन 2। तो इसमें लाइन 1 ये वाली है, लाइन 2 ये वाली है जी, लाइन 2 ये वाली है जी, लाइन 1 भी आ गई, लाइन 2 भी आ गई। उसने आपको पॉइंट भी बताए हुए हैं, हम ना लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जो एंगल जा रहा है वो फाइंड आउट करना है फ्रॉम L1 टू L2। इधर से देखो, इधर से एंगल आएगा इधर की तरफ, ऐसे ऐसे एंगल आएगा, हमने वो फाइंड आउट करना है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ L1, लाइन 1 का स्लोप मालूम कर लेते हैं जिसका नाम होता है M1। लाइन 1 का स्लोप वो ये होता है 7 माइनस माइनस 1, वाई में से वाई माइनस कर दो, दो पॉइंट गिवन है ना, तो एक्स में से एक्स माइनस करो, वाई में से वाई, एक्स में से एक्स, तो इसका स्लोप आएगा M1 इज इक्वल टू 8/2। तो M1 का स्लोप आपके पास आ गया 4, ये आ गया 4। तो अब हम आगे देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन 2। इधर देखें जी, स्लोप ऑफ लाइन 2 का मतलब है M2। तो M2 का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, y में से y माइनस कर दो, 2 में से 4 माइनस करो, और ये देखो x में से x माइनस करो, 2 में से 4 माइनस 8 में से 2। तो आपके पास आंसर आ गया इसका -2 -10, तो आपके पास आंसर आया 1/5, ये आ गया, ये दूसरा स्लोप आ गया, M1 भी आ गया और M2 भी आ गया। जब दूसरे दोनों स्लोप आ गए, अब आपने इसमें फार्मूला सेट करना है। इसका फार्मूला ये होता है टेन, इसका नाम अगर आपने लिखा है थीटा, तो टेन थीटा, अब जरा देखना है आपने, इक्वल है, फॉर्मूला में दो स्लोप यूज होंगे, स्लोप पहले वो यूज होगा जहां एंगल बन रहा है, जिस पर एंगल आ रहा है, एंगल इस पर आया है, इसके स्लोप का नाम है M2, इसके स्लोप का नाम है M1, M2 से M1 की तरफ जाना है, जब फॉर्मूला सेट करना है M2 से M1 पे जाना है, तो M2 - M1, ये देखो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, M2 से M1 की तरफ यहां आपके पास आएगा 1 + M2 M1। मैंने M1 से M2 की तरफ जाना है, तो 2 पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे, 2 से 1। तो यहां देखो ये फॉर्मूला सेट हो गया, पहले माइनस होंगे, नीचे ऐड हो जाएंगे,
यहां कितना आएगा, एम टू कितना है, वन ओवर फाइव माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन ओवर फाइव, यहां फोर आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें जी, इसका एलसीएम कितना आएगा, फाइव वन माइनस ट्वेंटी, तो वन प्लस फोर ओवर फाइव। ये देखो जी, अब ना यहाँ टेन जो है आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल है, इसका भी एल माइनस नाइनटीन ओवर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, फाइव प्लस यहां कितना आ गया फोर, तो फाइव से फाइव कट गया, आपके पास आंसर आ गया माइनस नाइनटीन ओवर नाइन। अब बेटा कैलकुलेटर यूज करना है बाद से, तो आप कैलकुलेटर में ये देखो कि अगर आप इसका एंगल निकालो माइनस नाइनटीन ओवर नाइन का, तो आंसर बताएं कितना आता है। सर रुके, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर यूज करें आप इसमें, टेनवर्स फाइंड आउट कर लें इसमें। ओके सर, एक मिनट। बताएं जी बताएं। सर कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, ये पढ़े पढ़े अभी बताएं सर, बताएं टैन इनवर्स। हाँ, आप इसे खुद फाइंड आउट कर लेना जो भी इसका आंसर आएगा। सर ये हो गया बस, माइनस 19 ओवर 9 माइनस 64.65। चलें जी, इसका आंसर आपने फाइंड आउट कर लेना है जी। सर आ गया आंसर, आया है बताएं। माइनस 65। ओके, और आगे पॉइंट पॉइंट 65। तो इसको प्लस 180 कर दें, प्लस 180 कर दें, प्लस 180। हाँ 180 क्यों गया सर? क्योंकि क्वाड्रेंट लगता है ये सेकंड में है। अच्छा सर ये आ गया 115। हाँ डॉट 34 ठीक है, इसका ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है जी, ठीक है। आगे आगे ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसे नोट कर लिया आपने? यस सर, इसका डी पार्ट तो ऐसे ही होगा ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, अगला कौन सा है? 11 का ए पार्ट। यस सर, लेमन का ये पार्ट पढ़ रहे हैं जी। ये देखें जी, लेमन का ये पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है? फाइंड इंटीरियर एंगल। आप ट्राइंगल ए की वैल्यू है माइनस टू और इलेवन, बी की वैल्यू है माइनस सिक्स माइनस थ्री, सी की वैल्यू है फोर माइनस नाइन। ये तीन पॉइंट है जी। आपने सबसे पहले ना ये ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है जी, उसके बाद सॉल्व करते हैं जी। ये देखें, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन x positive ये माइनस टू इलेवन यहां है a की वैल्यू है माइनस टू इलेवन बी के लिए इधर सर जी सर जी जी बोलें बी की वैल्यू कहां पे आएगी बी की वैल्यू आगे पास आएगी जी माइनस सिक्स माइनस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स ये माइनस थ्री ये बी की वैल्यू है माइनस सिक्स माइनस थ्री सी की जो वैल्यू है फोर माइनस नाइन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आगे पास आ गया सी वो है फोर माइनस नाइन ए भी आ गया बी भी आ गया सी भी आ गया इनको मिला लें इनको मिलाएं ऐसे ये ट्रायंगल बन गई है ये ट्रायंगल बन गई है अब ट्रायंगल बन गई है ना अब हमने इनके एंगल्स फाइंड आउट करने जिसे इंटीरियर एंगल का नाम दिया जाता है इधर देखें अब इसमें आप किसी भी जगह से एंगल की डायरेक्शन सेट करें आपकी अपनी मर्जी है इधर से करें इधर से करें इधर से करेंगे तो एरोहेड उधर आएगा इधर से करेंगे तो एरोहेड इधर आएगा आपकी अपनी मर्जी है किसी भी जगह से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं इधर से मैं करता हूं तो एरोहेड इधर आएगा उधर पहुंचा फिर जहां एरोहेड है उधर से फिर स्टार्ट करें इधर एरोहेड आएगा इधर अब इस लाइन पे एरोहेड आ गया अब इधर से करेंगे अब इधर आएगा एरोहेड इधर इधर एक साइड पे एक एरोहेड आया है जरा देखें एक साइड पे एक एरोहेड आया है एक साइड पे एक एरोहेड आया है जिधर से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड पे एरोहेड आएगा फिर उधर से स्टार्ट करेंगे अपोजिट साइड पे एरोहेड आएगा आपने ना अब यहां फाइंड आउट करना है टेन ए आपने यहां फाइंड आउट करना है टेन बी आपने यहां फाइंड आउट करना है टेन सी आवाज नहीं आ रही होगी टेन ए टेन बी और टेन सी फाइंड आउट करना है बेटा बात सुने अब आप स्लोप निकालें इन दोनों से ना एक स्लोप निकालेंगे ए बी से इसका नाम होगा एम वन आपकी मर्जी स्लोप का नाम आपने देना है इनसे निकालेंगे इसका नाम होगा एम टू आवाज आ रही है मेरी खराब आ रही है पहले नहीं आ रही थी बेटा ये देखो जी M1, M2 और M3 इससे जो स्लोप आएगा वो आएगा M3 आपको स्लोप का मैंने बताया भी था अगर मैं स्लोप M1 निकालता हूं इधर देखें M1 क्या आएगा यहां से देखो Y में से Y माइनस करो X में से X माइनस करो 11 माइनस माइनस 3 Y में से Y माइनस करो X में से X माइनस करो 2 माइनस माइनस 6
तो ये m1 इधर आएगा, वो आएगा 14 ओवर 8, तो m1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/4, तो ये m1 आ गया, ये m1 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ना एंगल सेट कर रहे हैं, मैं एंगल जो फाइंड आउट करता हूं a का, एक एंगल क्या होगा इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, जहां एरो हेड होगा वो लाइन पहले आएगी, वो स्लोप पहले आएगा, तो m2 पहले आएगा, स्टार्ट जहां से हो रहा है वो बाद में आएगा, m1 बाद में आएगा, ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, 1 + m2 m1। अब मैं एंगल b की तरफ आता हूं, तो आप मुझे बताएं एरो हेड इस तरफ है, इस तरफ, बात से सुने सलमान, एरो हेड इस तरफ है तो पहला स्लोप ये आएगा, ये आएगा, पहले m1 आएगा, m1 आएगा, फिर बाद में m3 आएगा, यहां कितना आएगा 1 + m1 dot m3, इसमें कौन सा आएगा, m3 पहले आएगा, m2 बाद में आएगा, m3 - m2 1 + m3 m2, ये आएगा m3 पहले m2 बाद में, m3 से m2 की तरफ जाना है। तो ये देखो अब स्लोप आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं, अगर हम मैं m2 का स्लोप यहां निकालूं तो जरा देखें m2 का स्लोप कैसे आएगा, -9, इधर देखें -9 - -3, y में से y माइनस करो, x में से x माइनस करो, 4 - -6, तो m2 कितना आया -9 + 3 = 4 + 6, तो कितना आया m2 की वैल्यू कितनी आई है -6/10, ये देखेंगे m2 ये आ गया। अब ना बेटा मेरे पास में m2 भी आ गया, इसी तरह आप m3 फाइंड आउट कर इसमें पुट कर दें। अब आपको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बता दिया और एक ही छोटे से मैंने इसका स्केच भी ड्रा हो गया, ओके नाउ यू कैन डू इट। ओके सर, एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। काफी है ना आज ले सर, सर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आई कैन नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो 13 बिल्कुल सेम है जी, ये देखें जी। अब मैं आपको क्वेश्चन 12 के डायग्राम बना देता हूं एंड क्वेश्चन 13 की, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, सेम इसका तरीकेकार है। ये देखें जी, नाउ वी मेक द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 12, सी फ्रॉम बुक, इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटरल ए 5 2, बी -2 3, सी -3 -4, डी 4 - 5, कस्टमर 12, कस्टमर 13। गलत लिखा है सर, ये गलत लिखा है, क्या हुआ, ए के लिए 5 2, बी के लिए -2 3, सही है सी की माइनस थ्री, अच्छा ए की वैल्यू है जी -2 0 0, बी जो है ना वो है 2 1, सी जो है ना 3 3 एंड डी जो है ना वो 1 2। नाउ वी मेक द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन,
एक्स वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वाई वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव ए की वैल्यू है फाइव टू वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव और टू दिस इज द ए ए है जी फाइव टू बी है माइनस टू थ्री वन टू माइनस टू थ्री माइनस टू थ्री सी है माइनस थ्री माइनस फोर हेयर दिस इज द पॉइंट थ्री माइनस थ्री एंड माइनस फोर सी माइनस थ्री माइनस फोर डी है फोर माइनस फाइव वन टू थ्री फोर माइनस फाइव डी फोर माइनस फाइव ज्वाइन द पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स ए डी सी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स दिस इज एंगल नंबर वन विच स्टार्ट एंगल एंड डायरेक्शन टू द साइड ऑफ बी ए दिस इज एन अनदर एंगल दिस इज थर्ड एंगल एंड नाउ द एंगल सी फोर्थ एंगल We take the name of slope. I mean, slope का नाम दे देते हैं. इसका नाम M1, इसका नाम M2, इसका नाम M3, इसका नाम M4. Slope का नाम दे दिया M1, M2, M3, M4. Now the angle B, tan B is equal है M1 से M4. M1 minus M4 over 1 plus M1 M4. Yeah. M1 पर M4 आ गया. ये B, ये A, ये D और ये C. Done हो गया. Now the next question is 13. ठीक है सर. तो we can, you can solve this question as it is. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. First point is 0, 0. A, 0, 0. B के लिए 2, 1 है. 2, 1. B है 2, 1. C के लिए 3, 3. This is a point 3. C. D है 1, 2, 1, 2. D इधर है जी. This is a rhombus. This is rhombus. This is rhombus. कैसे कैसे सारी सारी चीजें हम नहीं हैं. A B C D rhombus है ये. इसका स्लोप M1 दे दो, इसका स्लोप M2, इसका स्लोप M3, इसका स्लोप M4. बेटा ग्राफिकली पॉइंट ड्रॉ कर दिए मैंने, ग्राफिकली पॉइंट ड्रॉ कर दिए. कैसे ये? बेटा पहला पॉइंट 0, 0 है, दूसरा क्या है 2, 1, 2, 1 कैसे होता है, तीसरा क्या है 3, 3, 3, 3 ऐसे होता है, चौथा क्या है 1, 2 वो ऐसे होता है. एक्स वाई प्लेन पे तो चीजें बनानी आती है ना. यस सर. तो वही तो है ये टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी. ए की वैल्यू कितनी है जी, आप एरो हेड बनाए इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर,
और इधर से इधर। ए में क्या होगा, एम फोर माइनस एम थ्री, एम फोर माइनस एम थ्री ओवर वन प्लस एम फोर एम थ्री। बी में क्या होगा, एम थ्री माइनस एम टू, एम थ्री माइनस एम टू वन प्लस एम थ्री एम टू। सी में क्या होगा, एम टू माइनस एम वन, एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम टू एम वन। डी में क्या होगा, एम वन से एम फोर, एम वन माइनस एम फोर वन प्लस एम वन एम फोर। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। ओके जी, अब्दुल बासित आपने नोट कर लिए? यस सर, खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।